Good morning class, today we are going to discuss about the class 9 geography chapter 1 the India size and location. इसके क्या है आज हम exercise discuss करने जा रहे हैं. इसकी exercise देखेंगे. First जो आपके exercise में first question दिया है, choose the right answer from the four alternative given below. इसमें क्या आपको एक the correct है आपको first question इसमें आपको जो correct है इस पे ऑप्शन पे आपको टिक करना है. फर्स्ट है द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है, इंडिया की कौन सी स्टेट में से नहीं जाती है. तो ऑप्शन में दिया है इसके राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा. तो इसमें से उड़ीसा में से इसका आंसर होगा उड़ीसा में से जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो नहीं जाती है. सेकेंड है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो क्या है, 97 डिग्री 25 इंच. थर्ड है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद. जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, सिक्किम किस कंट्री के साथ क्या मतलब फ्रंटियर है, तो कौन सी कंट्री के साथ इनकी बाउंड्री होती है. टच वो ऑप्शन में दिया है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार. तो इनमें से नेपाल के साथ इन सभी स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो टच होती है. आंसर में आ जाएगा नेपाल. फोर्थ है इफ यू इनिटेड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग यूर समर वैकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू. अगर आपको कवरत्ती जाना है वैकेशन में तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे इंडिया की. तो कवरत्ती कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, इसमें ऑप्शन में दिया है आपके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन द्वीप. तो सबको पता है कि जो कवरत्ती है वो क्या है, लक्षद्वीप की क्या है कैपिटल है. तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा. फिफ्थ है माय फ्रेंड इज फ्रॉम इन कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री. तो फिफ्थ बताया है कि मेरा जो फ्रेंड है वो ऐसे कंट्री में रहता है जिसकी जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ टच नहीं होती है. तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो कौन सी कंट्री है. तो ऑप्शन में दिया है भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल. तो इसमें से भूटान की बाउंड्री टच होती है इंडिया से, बांग्लादेश की भी होती है और नेपाल की भी होती है, लेकिन तजाकिस्तान की नहीं होती. तो आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान. अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखते हैं क्या है क्वेश्चन. नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी. जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है. अरेबियन सी कहाँ पर है हमारा, ये क्या है इंडिया का मैप है और ये कौन सा है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये पार्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ है. तो यहाँ पे क्या है देओ बेंगोल और यहाँ पे क्या है अरेबियन सी. तो इसमें पूछा है कि जो अरेबियन सी है वैसे हमारा अरेबियन सी में कौन सा हमारा क्या है आइलैंड ग्रुप है. तो कौन सा है हमारा अरेबियन सी में, लक्षद्वीप आइलैंड लाइक इन द अरेबियन सी. जो अरेबियन सी है उसमें कौन सा हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पे हमारा क्या है लक्षद्वीप आइलैंड है. तो ये नदी कौन सा है लक्षद्वीप आइलैंड. सेकंड है नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. तो उन कंट्रीज के नेम बताने हैं जो क्या है इंडिया से बड़े हैं. तो कौन सी कंट्री है इंडिया से बड़े हैं, वो है फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे कैनेडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील और सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पे कौन आता है इंडिया आता है. तो क्या है जो इंडिया है, इंडिया की पोजीशन कौन सी है वर्ल्ड में, सेवन्थ पोजीशन इंडिया की है लार्जेस्ट में. नेक्स्ट है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइक इन साउथ ईस्ट. कौन सा आइलैंड ग्रुप क्या है इंडिया के साउथ ईस्ट में है. अब साउथ ईस्ट कौन सा पार्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट. साउथ ईस्ट में यहाँ पे कौन सा आइलैंड ग्रुप है इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार. तो ये कौन सा है, अंडमान.
निकोबार आइलैंड क्या है, साउथ ईस्ट में है। तो आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइक टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। जो सदर्न नेबर्स है वो कौन से कंट्री है हमारी सदर्न नेबर्स में, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज दैट आर द सदर्न नेबर। तो सदर्न कौन सा पार्ट है, ये वाला क्या हो गया सदर्न वाला पार्ट हो गया इंडिया का, और जो कौन से आइलैंड कंट्री हो गई यहाँ पे क्या हो गया श्रीलंका और यहाँ पे क्या हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है हमारे सदर्न नेबर्स है, लेकिन जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है ये हमारी नेटिव कंट्री नहीं है बल्कि ये क्या है इंडिया का ही पार्ट है। नेटिव क्या हो जाएगी हमारी श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है द सन राइजेस टू आवर अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द व्हाट इज योर नेम सेम टाइम हाउ डज दिस हैपन। इसमें बता क्वेश्चन है कि जो सन है वो क्या है अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की कंपैरिजन में 2 आवर पहले क्या हो जाता है राइज हो जाता है, लेकिन क्या है वो शो क्या होता है सेम टाइम पे होता है, ऐसा कैसे होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं, इंडिया की मैप में कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे जो क्या है हमारा ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ से क्या होता है इंडिया में सबसे पहले सनराइज होता है, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक आने में कितना टाइम लगता है सनरेज को 2 आवर का क्या लगता है टाइम होता है। तो इसमें ये बताया गया है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का टाइम लगता है सनरेज को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में। बट द वॉच इज शो द सेम टाइम रेस क्या है उसको सेम टाइम शो किया गया है उसका, क्यों इट इज बिकॉज द टाइम अलोन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो टाइम मेरिडियन है ऑफ इंडिया का वो कितना है 82° 30' ईस्ट पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास होता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास होता है। इस टेबल एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, जो क्या है पूरी कंट्री के लिए यही जो स्टैंडर्ड टाइम है वही इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर क्या है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है वो इंडियन ओशन के रूप क्या है हेड पे है बिल्कुल बीच में है सेंटर पे है क्योंकि इट कंसीडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हाई। तो इसने बताया कि जो इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों है वो इसे बताएंगे। तो इसमें बताया है द इंडियन लैंडमार्क एज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ये क्या है जो इंडिया है हमारा सबसे पता है कि क्या है जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके क्या है बिल्कुल क्या है सेंटर में है बिल्कुल बीच में है जैसे भी वेस्ट से भी और क्या है ईस्ट से बिल्कुल क्या है सेंटर में क्या है हमारा इंडिया है। इंडिया इज साउथ पार्ट एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसकी क्या है ऊपर कौन सा पार्ट है नॉर्थ है नीचे कौन सा है साउथ है। तो जो एशियन कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट की क्या है इंडिया बिल्कुल क्या है साउथ पार्ट में है जहाँ पे क्या है इंडियन ओशियन है। तो बिल्कुल साउथ पार्ट में क्या है इंडिया है जो क्या है इसकी अलग से क्या है सेंटर पॉइंट कौन सा है जो साउथ वाला जो पॉइंट है वो क्या है इंडिया है जो क्या है इसकी अलग से सिग्निफिकेंस होती है। The trans Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west to the countries of East Asia provide a strategic central location to India. तो इंडिया क्या है वो क्या है इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है मतलब जो वेस्ट कंट्रीज है वेस्ट कंट्रीज से भी कनेक्ट है और जो ईस्टी कंट्रीज है ईस्टी कंट्रीज से भी क्या है इंडिया कनेक्ट है। तो उतना ही पार्ट इंडिया का
डेकन पेनिनसुला एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन। यहां तक जो डेकन पेनिनसुला है वो भी कहां है, इंडियन ओशन में है। दिस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, जो इसमें हेल्प करता है इसका कनेक्ट किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट होने में, अफ्रीका और यूरोप के साथ होगा, वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न कोस्ट। तो जो हमारा जो इसका वेस्ट कोस्ट है और ईस्ट कोस्ट है वो क्या है, जो हमारा ईस्टर्न वाला कोस्ट है ये कौन सा है, वेस्ट कोस्टल प्लेन है। ये क्या है, ये इसकी कंट्री से कनेक्ट करता है और ये क्या है, वेस्ट की कंट्री से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, नेक्स्ट है इसमें कनेक्ट विद एशिया अफ्रीका यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्रीज हैव अ लॉन्ग कोस्टल लाइन फ्रॉम द इंडियन ओशन। मतलब इससे पूछा है कि जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में क्या है, इतनी जो इतनी बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है, इंडिया की है। इसके इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्रीज की इंडियन ओशन में इतनी लंबी क्या है, कोस्टल लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं इसमें, द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन ड्यू टू द विच इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। तो ये क्या है, इंडिया की क्या है सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिया कहाँ पर है, जो एशिया को है तो उसकी क्या है बिल्कुल सेंटर में है, और सेंटर में होने के कारण इसकी क्या है अलग से ही सिग्निफिकेंस बनती है। तो आज के वीडियो में क्या है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर डिफाइन कर दिए हैं, चार क्वेश्चन आप क्या है अपने नोटबुक में राइट डाउन करोगे, उनको लर्न करोगे। थैंक यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर क्या है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। जो इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है वो इंडियन ओशन के रूप क्या है, हेड पे है, बिल्कुल बीच में है, सेंटर पे है। इट कंसीडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हाई। तो इसने बताया कि जो इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों है वो इसे बताएंगे। तो इसमें बताया है द इंडियन लैंडमार्क हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ये क्या है, जो इंडिया है हमारा सबसे पता है कि क्या है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके क्या है बिल्कुल क्या है सेंटर में है, बिल्कुल बीच में है, इंडिया से भी वेस्ट से भी और क्या है ईस्ट से भी बिल्कुल क्या है सेंटर में क्या है हमारा इंडिया है। इंडिया इज साउथ पार्ट एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसकी क्या है ऊपर कौन सा पार्ट है, नॉर्थ है, नीचे कौन सा है साउथ है। तो जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट की क्या है इंडिया बिल्कुल क्या है साउथ पार्ट में है, जहाँ पे क्या है इंडियन ओशियन है। तो बिल्कुल साउथ पार्ट में क्या है इंडिया है, जो क्या है इसकी अलग से क्या है सेंटर पॉइंट कौन सा है, जो साउथ वाला जो पॉइंट है वो क्या है इंडिया है, जो क्या है इसकी अलग से सिग्निफिकेंस होती है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट टू द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो इंडिया क्या है क्या है इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है, मतलब जो वेस्ट कंट्रीज है वेस्ट कंट्रीज से भी कनेक्ट है और जो ईस्टी कंट्रीज है ईस्टी कंट्रीज से भी क्या है इंडिया कनेक्ट है। तो उतना ही पार्ट इंडिया का द डेकन पेनिनसुला एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन। यहां तक जो डेकन पेनिनसुला है वो भी कहां है, इंडियन ओशन में है। दिस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, जो इसमें हेल्प करता है इसका कनेक्ट किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट होने में, अफ्रीका और यूरोप के साथ होना, वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न कोस्ट। तो जो हमारा जो इसका वेस्ट कोस्ट है और ईस्ट कोस्ट है वो क्या है, जो हमारा ईस्टर्न वाला कोस्ट है ये कौन सा है, वेस्ट कोस्टल प्लेन है। ये क्या है, ये ईस्टी कंट्री से कनेक्ट करता है और ये क्या है वेस्ट की कंट्री से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, नेक्स्ट है
connect with Asia, Africa, Europe from the western coast and with Southeast Asia from eastern coast. No other countries have a long coastline from the Indian Ocean. मतलब इसके बजाय कि Indian Ocean है, Indian Ocean में क्या है? इतनी जो इतनी बड़ी जो coastline है, वो किसकी है? India की है. इसके India के अलावा किसी other countries की Indian Ocean में इतनी लंबी क्या है? Coastline नहीं है. Next क्या बता रहे हैं इसमें? The significance of India's central location at the head of the Indian ओशियन ड्यू टू द विच इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया. तो ये क्या है? इंडिया की क्या है सिग्निफिकेंस है? क्या इंडिया कहाँ पर है? जो एशिया को है तो उसकी क्या है बिल्कुल सेंटर में है, और सेंटर में होने के कारण इसकी क्या है अलग से ही सिग्निफिकेंस बनती है. तो आज के वीडियो में क्या है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर डिफाइन कर दिए हैं. चार क्वेश्चन आप क्या है अपने वीडियो में राइट डाउन करोगे, उनको लर्न करोगे. थैंक यू.